संबल जनपद की चंदोसी तहसील क्षेत्र के संबल किराए पर आरटीओ छवि सिंह चौहान ने चेकिंग अभियान चलाकर सीट बेल्ट बांधने तथा हेलमेट पहनने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे 24 लोगों के वाहनों के चालान भी किए। आरटीओ छवि सिंह चौहान ने बताया कि आए दिन सड़क हादसों में जा रही लोगों की जान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनपद में अभियान चलाया गया है ताकि वाहन चालक सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। बुधवार है सड़क सुरक्षा जागरूकता के संदर्भ में हेलमेट और सीट बेल्ट का चालान भी हम लोग हर बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता के संदर्भ में ये चालान साथ ही साथ और गाड़ियों के रूप में संबल के विकासखंड असमोली में मानदेय न मिलने से क्षुब्ध ग्राम रोजगार सेवकों ने विकासखंड परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। ग्राम रोजगार सेवक संघ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें लगभग 20 माह से उनका मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है तथा उनके आगे परिवार का पालन पोषण करने संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं। कई बार धरना लगा चुके हैं, आए दिन हमारे सामने मानदेय की समस्या रहती है और पीछे भी कई बार धरना लगा चुके हैं, लेकिन जब भी अधिकारी हमें ये कहते हैं अब मिल जाएगा तब मिल जाएगा, और पंचायत का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम ना देखते हों, लेकिन दो दो साल हम मानदेय के लिए परेशान होते हो गए कि हम लोगों को 20 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण हमारा जो परिवार है वो आर्थिक संकट के से जूझ रहा है और हम बच्चों की अपने स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ है। मैम मानदेय की वजह से ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, हमें मानदेय नहीं मिल रहा तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हमारे ऊपर काम का तो प्रेशर डाला जाता है और मानदेय पर हमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। काम के लिए तो रोज आए दिन ये नए नए कोई शौचालय बनवाओ कभी कुछ भी किसी भी काम के लिए क्या दिया जाता है, मगर मानदेय का कोई नाम नहीं लेते ना, ताकि रोजगार सेवक से काम सारा लिया जाता है और रोजगार सेवक का किसी भी उसमें नाम नहीं होता है। यहाँ तक के मानदेय देने के लिए भी ग्राम रोजगार सेवक को तैयार नहीं होते हैं। अब भी हमें कोई अभी मानदेय नहीं दिया, जैसे कि ईद हुई है या रक्षाबंधन है किसी भी त्यौहार पर, हम ये ऐसा भी नहीं है जो अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, कुछ ला के दे सकते हैं, हमें खाली हाथ जाना पड़ता है। संबल नगर में जाम की समस्या को लेकर शहरवासी परेशान रहते हैं, जिसको लेकर आज पुलिस प्रशासन ने शहर के अंदर तथा बाहरी रास्तों पर गुजरने वाले वाहनों के लिए रोड मैप तैयार किया। जिले के एसपी अमना प्रसाद ने इस व्यवस्था को लेकर बताया। पर में जो संबल हमारा नगर क्षेत्र है यहाँ पे काफी समस्या है, जाम की अक्सर समस्या रहती है, तो इसके लिए पूरे शहर क्षेत्र में जगह जगह चिन्हित किया गया है, यहाँ पे बैरिकेडिंग की जाएगी, बैरिकेडिंग करके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टी पॉइंट बनाए जाएंगे, वहाँ पे डायवर्जन पॉइंट बनाए जाएंगे, कुछ जो हैवी व्हीकल निकल रहे हैं उसके लिए मेन तीन रूट जो है वहाँ पे डायवर्जन बनाया जाएगा, वहाँ पे बैरिकेडिंग करके वहाँ पे पिकेट व्यवस्था लगाई जाएगी, जहाँ से लोग अपने जो भारी व्हीकल है वो बाहर बाहर रास्ते से निकले, शहर के अंदर ना जाएं, और जो शहर के अंदर की व्यवस्था है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक नो एंट्री जोन रहेगा हैवी व्हीकल के लिए, और उसके बाद जो सामान्य व्हीकल है या इमरजेंसी व्हीकल है वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो सामान्य व्हीकल है वो रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक ही शहर के क्षेत्र में जाएंगे, और जो हमारे टी पॉइंट है या हमारे बैरिकेडिंग वाले पॉइंट है वहां से भारी वाहन डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। जो अनावश्यक रूप से जगह जगह जाम रहता है उसको नगर निगम से उन स्थानों को चिन्हित करा करके पार्किंग स्थल के रूप में और इनके जो छोटे व्हीकल हैं उनके सेंटर के रूप में उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसको स्थायी रूप से उनके पार्किंग के लिए बनाया जाएगा। क्या से मीटिंग करके ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि अनावश्यक रूप से जिन्होंने सड़क में दुकान लगा रखी है, सड़क में घर बना रखा है, सड़क में कब्जा कर रखा है, अनावश्यक रूप से सड़क में व्हीकल खड़ी कर रखी है, उन सभी को खाली कराया जाएगा। एक अभियान के रूप में आज से शुरू किया गया है और ये 1 हफ्ते का अभियान चलेगा, जो नगर क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण है उनको हटवाया जाएगा और ये खाली कराया जाएगा। संबल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देशन में संबल कोतवाली पुलिस ने एक साथी लुटेरे को लूट के माल तथा अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर एक व्यापारी से 46,000 रुपए लूटने का मामला भी दर्ज है। इस घटना को लेकर एसपी संबल ने बताया। हमारे संभल जनपद के संभल थाना क्षेत्र के कोटसराय एरिया है, जहाँ पे मनीष रस्तोगी के यहाँ दिनांक 18 तारीख को एक लूट हो गई थी, जिसमें जब इसके बारे में एफआईआर दर्ज किया गया और प्रभावी तरीके से इसमें कार्रवाई शुरू की गई तो निकल के आया कि एक ये अक्रम नाम का व्यक्ति है जो पूर्व अपराधी इतिहास रखता है। ये व्यक्ति अपनी पेशी पे मुरादाबाद गया था, वहां पे इसको एक व्यक्ति मिला रुखसार उर्फ भतीजा करके, ये दोनों मिलकर के प्लानिंग बनाए कि एक इनका खर्चा बढ़ा हुआ था
अभी जमाने पे छूट के आए हैं, तो इन्होंने देखने के लिए कि एक लूट है उसको देख लेते हैं वहां पर। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, एक व्यापारी के यहाँ लूट करने का प्रोग्राम बनाया, फिर वहां पे रेडी की। उसके बाद एक इनका और साथी है फैसल तुर्की करके, उसको भी इन्होंने शामिल किया और आ करके घटना के दिन कुछ समय पहले शाम को 5 बजे से जस्ट पहले उसके यहाँ गए व्यापारी के यहाँ। वहां उन्होंने पूछताछ किया कि वो चीनी बेचता है या नहीं, तो इन्होंने बताया कि जो व्यापारी था वो चीनी नहीं बेचता था। फिर उसके बाद उसे दाल वगैरह के बारे में पूछे, इसी बीच में इन लोगों ने तमंचा निकाल लिया और चाकू निकाल लिया, जिसमें व्यापारी दो जो वहां थे उनको कब्जे में लेकर के उनके गले से 46,000 रुपए की लूट कर ली। लूट करने के बाद ये लोग फरार हो गए। अभी इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है अकरम, और इसने बरामदगी हुई है 11,000 रुपए की। बाकी इसके दो साथी अभी फरार है जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है।